गर्मी का सीज़न शुरू हो चुका है और हम आपको आज दिखाते हैं कि इस शहर में जो है मिट्टी के घड़ों की इतनी ज़्यादा डिमांड पड़ गई है, क्योंकि बेशक जीवन जितना मर्जी बदल गया हो लेकिन मिट्टी से जुड़े लोग और मिट्टी की कीमत पहचानने वाले लोगों को शायद आज भी मिट्टी की कीमत का पता है। यही कारण है कि आज की टेक्नोलॉजी के इतना ज़्यादा डेवलप होने के बाद भी जहाँ पर कि रेफ्रिजरेटर आ गए हैं, बढ़िया बढ़िया चीज़ें आ गई हैं, लेकिन आज ही मिट्टी का घड़ा जो है अपना रूप और अपना स्वरूप जो है बरकरार रखे हुए है। आज हम आपको गांव कुंबड़े के पास जो ग्रेसियन हॉस्पिटल है उसके पास हम आपको कुम्हार भाइयों से दिखाते हैं कि जो घड़े और गमले का हर एक चीज़ का मतलब मिट्टी के कारोबार ज़्यादा करते हैं। तो यहां पर देखिए कैसे कि मिट्टी जो है मिट्टी के घड़े की जो तैयारी चल रही है और बेचे भी जा रहे हैं, ग्राहक भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। उसका कारण है कि हम आपको ग्राहक भी दिखा दें कि ग्राहक जो है देखिए मिट्टी के जो घड़े लोग ले रहे हैं और गाड़ियों से आ रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जो है मिट्टी के घड़े बिक रहे हैं। इसका कारण है कि अप्रैल के महीने में इतनी विकट गर्मी जो पड़नी शुरू हो गई है, उस गर्मी का असर यह दिख रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये सोच रहे हैं कि अब ठंडा पानी पिया जाए। और उसके लिए मार्केट में जो है एक तो देसी मटका होता है जो आप देख रहे हो, ये देसी मटका है, लेकिन आजकल देसी मटके में भी कैसे टैप लगे हुए हैं, जैसे कि हम आपको दिखा दें कि ये देखिए बड़ा शानदार मटका जो देसी मटका है इसमें जो है टैप लगा हुआ है। और आपने सुना होगा कि इसका पानी पीने का कितना फ़ायदा है मिट्टी का। तो जो भैया यहाँ पर बना रहे हैं, जो बेचते हैं, जो कारोबार करते हैं, इन्हीं से बात करेंगे। आप हमारे जो रिपोर्टर हैं सागर जी, वो बात करेंगे क्या कुछ हम आपसे पूछते हैं। हाँ जी भाई साहब, आपका नाम क्या है? नाम दर्शन सिंह। दर्शन सिंह जी, क्या कर रहे हो आप? ये ना मटका है, इसमें हम टूटी लगा के बेचेंगे। जैसे मटके में पानी निकालना मुश्किल होता ना, गर्मी का टाइम आ गया है, तो आप कितनी यहाँ पे ये मटके बेच लेते हैं और कैसा लोगों का यहाँ पे आने का स्वभाव है? लोग कितने मटके की डिमांड मांग रहे हैं? मटके की ज़्यादा डिमांड है, कैंपर की कम है। मटके में मतलब कच्ची मिट्टी का बना होता है, इसमें मतलब ज़्यादा डिमांड है मटके की। तो कितना फ़र्क है रेटों का? कितना फ़र्क है रेट का? सर ये सस्ता पड़ जाता है, थोड़ा महंगा लीटर के हिसाब से हो जाता है। ये 5 लीटर है या 10 लीटर है जी? ये सस्ता है, 150 का, टूटी वाला 200 का जी। टूटी वाला 200 का। तभी आप ये टूटी लगा रहे थे, दिखाएंगे हमें कि कैसे आप टूटी लगाते हैं। आइए दर्शकों, आप देखिए ये टूटी लगा रहे हैं, कैसे टूटी लगा रहे हैं हम आपको दिखाते हैं। दर्शकों ये टूटी लगा रहे हैं, देखिए आप। गर्मी आ गई है, तापमान बहुत ज़्यादा है और यहाँ पर देखिए इन्होंने मिट्टी के साथ मिट्टी के कई तरह के और भी सामान लगाए हुए हैं, जैसे कि बुगनियाँ हैं बच्चों के लिए, छोटी छोटी बुगनियाँ हैं, ग्लासेस हैं, मटके हैं, मटके हैं, टूटियाँ हैं और कई प्रकार के गमले के इन्होंने मिट्टी के बना रहे हैं जिनमें आप फूल रख सकते हैं। और ये सारा छोटे छोटे बच्चों के लिए नई अलग अलग तरीके की बुगनियाँ हैं। अब गर्मी का तापमान बढ़ रहा है, आइए ये देखिए टूटियाँ देखिए, अलग अलग तरीके की टावर वाली टूटियाँ जिनमें पेंटिंग भी हो रखी है। और आप देखिए तो मटके पर उन्होंने पेंट भी कर रखा है। अब हम भाई साहब से, भाजी से बात करते हैं। क्या नाम है भाजी आपका? वीर सिंह जी, अब गर्मी आ गई है, कितनी टूटियों की आपकी सेल हो रही है, कितनी आप बेच रहे हो मटके? अभी ये अप्रैल के महीने से शुरू हुआ है जी हमारा काम, गर्मी होगा अभी ये 4 महीने चलेगा पूरा, और सेल में भी थोड़ा फर्क पड़ गया पहले से। तो नगर निगम आपको यहाँ पे सब कुछ लगाने देती, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं होती? जी हमारे को रोकते नहीं। अच्छा, कितनी दिन की सेल मटका कर लेते, कुछ आइडिया हो जाता है? 5,000 सेल हो जाती है। तो इसके आपने बच्चों के लिए बुनिया भी रख रखी है, पेंटिंग वाले भी रख रखे हैं, क्या क्या रेट रख रखे हैं थोड़ा सा बताएं जी, किस रेट से चालू है और किस रेट पे मटका है? मटका उठा के ₹350 का है, ठीक है, और ₹250 का, अगर छुट्टी नहीं होगी तो 200 का, और इससे छोटा छुट्टी वाला 200 का, अगर छुट्टी से बगैर लेंगे तो वो 150 का है। जैसे हम आज को मीडिया के माध्यम से आज दिखा रहे हैं कि कुछ जगह लोगों को पता नहीं है कि लोग अपने नए फ्रिज लेते हैं, बड़े बड़े फ्रिज लेते हैं, वो मिट्टी का सामान भूल गए हैं। हम आपको अपने चैनल के माध्यम से ये दिखाना चाहते हैं और उनको बताना चाहते हैं कि आप क्या कहना चाहते हो कि लोग इसका क्यों यूज़ करें? लोग इसको यूज़ करते हैं कि डॉक्टर वगैरह भी बताते हैं कि मिट्टी के बर्तन में पानी पियो मत के, और जो फ्रिजों का पानी है वो गले को ख़राब करता है, पकड़ता है, इसीलिए दोबारा अब जनता मिट्टी के बर्तनों पे आ गई,
इसमें दाल भी बनती है, सब्जी वाले बर्तन भी आते हैं और प्लास्टिक का माल भी है, गमले वगैरह ये टंगने वाले ये हुक्कपोट हैं। अब हमने श्रोताओं को ये भी बताते हैं कि कोविड दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, कोविड का प्रकोप बहुत बढ़ता जा रहा है, जहाँ की फ्रिजों से पानी बड़े बड़े अधिकारी और सिविल सर्जन और बड़े बड़े अस्पतालों के डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि ठंडा पानी ना पिए, तो इस हाथ से ये कहते हैं कि मटकों की बहुत सेल बढ़नी चाहिए और लोग अपने घर में मटके का पानी यूज़ करें, फ्रिज से पानी मत पिए। मैं भी अपने घर में मटके का पानी यूज़ करता हूँ और लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि अपने घर में सिर्फ मटके का ही यूज़ करें और उसका ही पानी पिए। आते हैं ये गुजरात से आते हैं। अच्छा, गुजरात से। इसका पानी बहुत ठंडा रहता है, सारा स्मेल नहीं आता इसका, पैंट है जो बाहर है अंदर में। अच्छा, ये छोटी बोतल कितने की है बोतल? ये 150 रुपये है और 1 लीटर की है। ये भी बहुत ठंडा पानी रहता है। हाँ, बोतल बताइए। ये बोतल है जी गुजरात की। अच्छा, इसमें बहुत बढ़िया ठंडा पानी रहता है। ठीक है, 2 लीटर की बोतल है। क्या रेट लगे इसमें? 1 लीटर की भी आती है, छोटी भी आती है, लीटर वाली है आपके पास अवेलेबल है? ये टूटता तो नहीं है?